80-90% मुंह के कैंसर तंबाकू चबाने से होते हैं। ये मुकेश की कहानी है। खैनी, पान, गुटखा, पान मसाला सब जानलेवा है। कहाँ रहोकर बदनाम हो जाए, कमान नहीं है, भाग गया है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है गणेश और इस वक्त हमें बंगाल के दूसरे सबसे बड़े शहर अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सिटी ऑफ ब्रदरहुड आसनसोल में, और यहां से आज हम ट्रेन जर्नी करने वाले हैं ट्रेन नंबर 08183 टाटा नगर दानापुर सुपर एक्सप्रेस में फ्रॉम आसनसोल टू दानापुर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी देखिए आसनसोल कितना खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। ये एक कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है। इसका स्टेशन कोड है ASN और टोटल 7 प्लेटफॉर्म है इस आसनसोल रेलवे स्टेशन में। चलिए चलते हैं इस खूबसूरत रेलवे स्टेशन के अंदर। ये टाटा दानापुर एक्सप्रेस चलती है टाटा से सुबह 8:15 बजे और 11.25 घंटे बाद लगभग 506 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद पहुंचती है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन दानापुर 7:30 बजे। लेकिन मैं बोर्डिंग कर रहा हूँ आसनसोल से, तो आसनसोल में इसका टाइमिंग है 12:12 बजे और एकदम राइट टाइम आकर लग चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, और हम यहाँ से टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे लगभग 340 किलोमीटर 7 घंटे में। और मेरी जर्नी होने वाली इस सुपर एक्सप्रेस के सेकेंड सीटिंग में D3 कोच है, D345। तो यही है इस टाटा नगर दानापुर सुपर एक्सप्रेस का सेकेंड सीटिंग। लगभग पूरा खाली ही है क्योंकि लॉकडाउन है, वरना आपको ये ट्रेन खाली नहीं मिलेगी। देखिए, और यहाँ पर इस ट्रेन का 20 मिनट का स्टॉप है क्योंकि यहाँ पर इस गाड़ी का लोको रिवर्सल किया जाएगा, यानी ये ट्रेन यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी दानापुर की ओर। काजी बा कौन सी भीड़ चोरी की सुन चोरी किया है। हाँ, लेडीज चोरी। अरे बुदान हो, ये लड़का लोग तो सोच रहा सब रहा कि मजा दे रहा, पेल दे रहा। अच्छा, पेल के निकल जा रहा है। अब कहाँ रहा होकर होकर बदनाम हो जाए, होकर चोर को धर के नहीं। कौन था जो चोरी किया? कौन लड़की रहा है? लड़की था और चोर का पकार करके मार करके बेटा भागा हो। लेडीज चोरी किया था, मतलब D4 कोच है ना, आगे जो D4 कोच है, एक लेडीज किसी का कुछ चोरी किया है पैसा। D4 कोच है, प्लेटफॉर्म पर इन लोगों को नहीं आना चाहिए ना, पकड़ के ले गया है। देखिए ये सब अभी ले जाएगा, थोड़ा बात बोली बोलेगा छोड़ देगा, इसको मारिएगा। तो सही का आदमी थोड़ी है, ऐरा गहरा मतलब प्लेटफॉर्म पर इसको मारने को मिलेगा। जल्दी जल्दी अंदर आइए पहले। अंजलि, हमारी टाटा दानापुर एक्सप्रेस चल चुकी है आसनसोल जंक्शन से ऑन टाइम 12:20 पर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। आसनसोल जंक्शन, बाकी बाय बाय आसनसोल जंक्शन। यहाँ आद्रा जाने के लिए गाड़ी बदलिए, चेंज फॉर आद्रा। कहाँ कहाँ घूमेंगे? अभी हमको छोटी नजर नातनी है। नातनी है यहाँ? हाँ, इसका मान नहीं है, भाग गया है। दो लड़का दो लड़की छोड़ के भाग गया है। इसका मान भाग गया है? कोई ना, उसका साथ में ना माथा में कुछ खिला दिया, उसका माथा खराब हो गया, उसी का साथ चला गया। लेकर रखा है अपना बंदी बना के रखा है। दोस्तों ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है चितरंजन, जहां बनता है इलेक्ट्रिक रेल का इंजन। बात करें इस चितरंजन रेलवे स्टेशन की, तो इसका स्टेशन कोड है CRJ और टोटल 3 प्लेटफॉर्म है चितरंजन रेलवे स्टेशन में। और ये चितरंजन रेलवे स्टेशन तो आता है झारखंड में, लेकिन बाकी शहर जो है वो आता है बंगाल में, CLW भी आता है बंगाल में ही।
सामने आके लग रही है हावड़ा नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस, जो कि नई दिल्ली से आ रही है और हावड़ा जाएगी। पूर्वा एक्सप्रेस इसके बाद हमारी सुपर एक्सप्रेस रुकेगी जामतारा विद्यासागर, लेकिन हम आपसे सीधा मिलते हैं मधुपुर जंक्शन में। ट्रेन हमारी सुपर एक्सप्रेस टाटा नगर दानापुर सुपर एक्सप्रेस पहुंच चुकी है मधुपुर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है MDP और नंबर प्लेटफॉर्म 4। ये मधुपुर आता है झारखंड के देवघर जिले में और ये मधुपुर जाना जाता है अपने प्रोडक्शन ऑफ स्वीट्स के कारण, मिठाइयों के अधिक उत्पादन के कारण। वैसे ही सुपर एक्सप्रेस में सिर्फ आगे का ही सिर्फ एक दो डब्बा खाली है, बाकी पीछे पूरा भीड़ है। तो कोरोना का टाइम है इसलिए इस टाइप की ऐसी ट्रेनें से फिलहाल जर्नी ना ही करें तो बेहतर है। कोरोना के डर से अब टीटी बाबू को भी कोई शौक नहीं है आपका टिकट चेक करने का, कोई नहीं चाहता भीड़ भाड़ जगहों में जाना। जसीडी जंक्शन, इसका स्टेशन कोड है JSME और टोटल 5 प्लेटफॉर्म है इस जसीडी जंक्शन में। और ये जंक्शन पॉइंट है क्योंकि एक लाइन तो आ रही है आसनसोल से, एक लाइन जाएगी पटना की ओर और एक लाइन जाती है यहाँ से दुमका और देवघर की ओर। बाकी ये जसीडी की फेमस आपको पता ही है, यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है बाबा धाम बैद्यनाथ धाम का ज्योतिर्लिंग, जिसके लिए ये जसीडी और देवघर जाना जाता है। ट्रेन हमारी सुपर एक्सप्रेस पहुंच चुकी है बिहार में और ये है बिहार का झाझा रेलवे स्टेशन। इस झाझा का स्टेशन कोड है JAJ नंबर प्लेटफॉर्म 4 और ये वन ऑफ द मेजर रेलवे स्टेशन है ऑन हावड़ा दिल्ली मेल लाइन, क्योंकि इस रूट से गुजरने वाली लगभग सभी ट्रेनें इस झाझा में आकर रुकती है। सिर्फ दो टाइप की ट्रेनें रुकती है, एक है राजधानी और दूसरा दुरंतो, बाकी सभी रुकती है। और बहुत सारी ट्रेनों का लोको पायलट इस झाझा में आकर चेंज होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है झाझा और ये झाझा आता है बिहार के जमुई ज़िले में। इसके बाद ये ट्रेन बहुत जगह रुकेगी, गिद्धौर जमुई बहुत सारी जगह रुकेगी, लेकिन मिलते हैं सीधा किउल जंक्शन में।
तो शाम के 4 बज चुके हैं और ट्रेन हमारी सुपर एक्सप्रेस पहुंच चुकी है क्यूल जंक्शन। इसका स्टेशन कोड क्यूल ही है और टोटल 6 प्लेटफॉर्म इस क्यूल जंक्शन में। और पहले जो डब्बा खाली था वो डब्बा भी भर चुका है सुपर एक्सप्रेस में जसीडी के बाद। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये टाटानगर दानापुर एक्सप्रेस हॉट स्पॉट है कोरोना का। फिलहाल इन ट्रेनों से यात्रा नहीं कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये आ गई 10 मिनट में पहले 14 वर्ष लड़ान हो गो हाँ शादी विवाह में हम मकान बना में दुए चिंदो कचरा होता है। दोस्तों ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है हाथीदह जंक्शन। ये भी एक जंक्शन पॉइंट है क्योंकि एक लाइन तो चले गई सीधे मोकामा पटना की ओर और दूसरी लाइन यहाँ जाती है बरौनी समस्तीपुर और बेगूसराय की ओर। इसका स्टेशन कोड है HTZ और टोटल 3 प्लेटफॉर्म है इस हाथीदह जंक्शन में क्योंकि 2 नीचे है और 1 ऊपर। हाथीदह जंक्शन ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है मोकामा और यहां से पटना जंक्शन की दूरी यहां से रह गई बस 90 किलोमीटर। इस मोकामा का स्टेशन कोड है MKA और टोटल 4 प्लेटफॉर्म है इस मोकामा रेलवे स्टेशन में। और ये मोकामा आता है पटना जिला में। ये भी एक इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है क्योंकि बहुत सारी ट्रेनें लगभग 127 ट्रेनें मोकामा में रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन रुकेगी मोर पंडारक बाढ़ लेकिन मिलते हैं सीधा बख्तियारपुर में। बख्तियारपुर जंक्शन जो कि काफ़ी चर्चे में रहती है अपने नाम को लेकर, अपने नाम बदलने को लेकर, क्योंकि इसका नाम रखा गया बख्तियार खिलजी के नाम पे जिसने कि नालंदा यूनिवर्सिटी को जलवा दिया था। बाकी बात करें इस बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन की तो इसका स्टेशन कोड है BKP नंबर प्लेटफॉर्म 5। और ये जंक्शन इसलिए क्योंकि बिहार शरीफ राजगीर और नालंदा वाली लाइन जो है इसी बख्तियारपुर में आकर मिलती है, बख्तियारपुर जंक्शन में आकर। इसके बाद ये ट्रेन रुकेगी खुसरोपुर फतवा पटना सिटी लेकिन हम मिलते हैं यहाँ पे सीधा पटना जंक्शन में। चलता नहीं 1 रुपया? नहीं भाई लेकिन बताया भैया फोन पे रखते हैं फोन पे क्या करेगा चलता है 1 रुपया यहाँ ले लेता है ले लिए 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 ट्रेन हमारी पहुँच चुकी है राजेंद्र नगर टर्मिनल और उस ओर लगी हुई है राजेंद्र नगर नई दिल्ली संपूर्ण क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस। अच्छा संपूर्ण क्रांति से याद आया फिलहाल बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ है और गाड़ी की ये हालत है कि आसनसोल से अभी तक इस ट्रेन में किसी भी डब्बे में पानी नहीं है। तो समय हो चुका है 6:57 और ट्रेन हमारी टाटानगर दानापुर एक्सप्रेस पहुंच चुकी है पटना जंक्शन 3 मिनट बिफोर। बाकी ट्रेन मोटा मोटी ठीक ठाक ही है, जहां भी आई राइट टाइम ही आई। लेकिन फुल जर्नी बोले हैं तो जाएंगे दानापुर तक, पटना में जर्नी का दी एंड नहीं करेंगे। महुआ है का? महुआ है ना? महुआ 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 यार कभी है कि लगा ना पैसे ना लगते।
सामने में जो घोड़ा है इस सब में महुआ भरा हुआ है। फाइनली ट्रेन हमारी टाटा दानापुर एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन दानापुर एकदम ऑन टाइम, और इसी के साथ खत्म हो जाती है मेरी इस टाटा नगर दानापुर एक्सप्रेस की सुपर एक्सप्रेस जर्नी। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक हमारे सामने लगी हुई है दानापुर KSR बेंगलुरु संघमित्रा एक्सप्रेस। इस ट्रेन की मैंने फुल जर्नी की है फ्रॉम बेंगलोर टू दानापुर। बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट ट्रेन जर्नी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। जाइए तो आराम जाइए। अरे नहीं नहीं देखिए हमारा बेटा को नाम है यार। हम किसी को भी है ना गलत नहीं बताते हैं, समझे आप। भगवान आपको दुआ देगा आराम से। आप तो है ना कटिहार जाने वाला संगी, उनके पास जाकर बैठ जाइए। अपना नतनी सुनिए, अपना नतनी को ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा मास्क उसको पहनाइए, अभी समय थोड़ा खराब चल रहा है। हाँ जब आप आराम जाना ठीक है। हाँ हम आराम से हम ठीक से चलेंगे। ठीक है बाय बाय टाटा बाबू टाटा। ठीक है बाय।